बानी सिंह अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु भोग एवं कीर्तन गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब जीटीबी नगर जालंधर में किया गया। इस दौरान रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय बानी सिंह की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, एनके अरोड़ा, अमरजीत सिंह समरा, चरणजीत सिंह चन्नी, डॉक्टर डांग, डॉक्टर चाहल, डॉक्टर पुनीत सेठी, राजेंद्र कलसी, हरविंदर फुल, जसपाल सहगल, कमलजीत, अरविंदर सिंह, डॉक्टर परमजीत अरनेजा, प्रीतम सिंह समरा, रशपाल सिंह पाल, बरजिंदर सिंह, सरबजीत कौर, मनजीत ठकुराल, जसविंदर मक्कड़, परमजीत मक्कड़, कमलजीत सिंह टोनी, राजेंद्र बसंत, परमिंदर बेरी, जसलीन सेठी, राकेश नंदा, हरजीत कालड़ा और पारिवारिक सदस्यों में पिता इंद्रजीत सिंह, मनी सिंह, हरमनदीप सिंह, मान्यता जयमनी शर्मा, आंचल दलजीत सिंह भाटिया, हैप्पी भाटिया, चरणजीत सिंह कोछड़, कैलाश कोछड़, तजिंदर वीर सिंह कोछड़, मिनी कोछड़, इंजीनियर जगदीप सिंह सेठी, हरजीत सेठी, मनदीप सिंह बेदी तथा मनदीप सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय बानी सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट कर शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना प्रकट की। बाबा फरीद जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच उचारिया, ओ कहते दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करेंदे हंज नू अचिंते बाज पए, बाज पए तिस रब दे केला विसरिया, जो मन चित न चेते सन सो गाली रब किया। जेड़ा बंदा सोच भी नहीं सकता पर वो परमात्मा दा भाणा है, इसलिए आपां कहने आ जिस ठाकर सियो नाही चारा, ताको कीजै सब नमस्कार, ओदे अगे अपने सिर नूं नभाउणा पैंदा। साडी बड़ी ऊगी शख्सियत स्वर्गवासी सरदार मेहताब सिंह जी और साडे सत्कारयोग बीबी करतार कौर जी स्वर्गवासी, उन्हां दी बहुत प्यारी पोतरी और साडे बड़े निघे वीर सरदार इंद्रजीत सिंह जी और साडी सत्कारयोग भैण मनी जी, इन्हां दी सपुत्री बाणी सिंह थोड़े दिन होए साडे कोलों सदा लई विछड़ गए। मैं बैठा सोच रहा सी, मैं कहा आ कोई उम्र श्रद्धांजलि देण दी थोड़ो है, जिस उम्र दे विच बची ओह चले गई, पर कीता कुछ नहीं जा सकता। अज आपां सारे बड़ी भारी गिणती च अरदास करन लई आए हां। देहो सज्जण सीसड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल, के हे अकाल पुरख सच्चे पातशाह ओनू अपने चरणा च निवास बख्शी बच्ची नू। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। आ बानी, आ सिस्टर, अ ब्यूटीफुल सोल with the most charming, sweet smile. She had the kindest heart, her mama's best friend, and her papa's lovely. Bani always greeted everyone with an open heart.
She would listen to our stories and always be there to support us. Whoever met her will agree that she was the most caring, loving, and a giving person. She had the ability to bring a smile on everyone's face. And we were privileged to have known her and to be loved by her. Words fail us as we describe what she meant to us. In our hearts forever. Goodbye, Bani. Gone too soon. I guess I echo what Malta Didi and Anjan shared here today. I'm Anisha. I am Bani Didi's youngest cousin sister. I guess when I was walking here, you know, I was thinking, what am I going to say? Because no one really prepares us to speak on such occasions. But what I really want to begin with is that looking at all of you here just is testimony to how loved our dearest Bani Didi was. For me, I think Nani's house would always be synonymous with Bani Didi, and the visual of entering that lobby and seeing her sitting there and binging on fruits, lychees, and fondly cut watermelons by Nani and Mommy. She was really one of the most thoughtful, kindest, and selfless human beings I've ever come across.